आज समाधान यात्रा के तहत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान जिले के सुपौली गांव में पहुंचे। बता दें कि आज सुपौली में सुबह से ही आला अधिकारी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैनात थे। वहीं 10 दिनों से लगातार गांव की साफ सफाइयां चल रही थी। वहीं लंबित योजनाओं को भी पूरा करने का कार्य लगातार जारी था। मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा घेरे के साथ आज पहुंचे। वहीं उन्होंने जनता से बातें भी की। जीविका के कार्यों, पीडब्ल्यूडी के कार्यों, बिजली विभाग व अन्य पंचायती कार्यों के बारे में जनता से जानकारियां ली। साथ ही साथ इंदिरा आवास व अन्य कई जानकारियों को उन्होंने जनता से लिया। इस मौके पर काफ़ी लोगों की शिकायतें रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनको नहीं मिलने दिया गया, प्रशासन ने उन्हें नहीं मिलने दिया। कई लोगों का यह सपना था कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे। हालांकि उन लोगों का सपना अधूरा ही रह गया और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना ज्ञापन दे पाए। इससे कुछ जनता में नाराज़गी भी देखने को मिली व कुछ देर के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। अगर प्रशासन को नहीं दिए होते छूट तो हम लोग को मिलने दिया जाता। उनका स्पेशल यात्रा है, देखिए इसमें प्रशासन कोई नहीं है। और अभी भी जनता आपको इतना प्यार से देख रही है कि यहाँ भी आने वाले विधायक के नाम से आपको पुकारा जा रहा है। मैं देखने के लिए तैयार है, लोग कह रहे हैं कि अगला विधायक आप ही होंगे। जी जनता फिर आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है। मेरा जोर तो रही ले, कुछ काम धाम कोई नहीं बने। जी तो यानी काम की वजह से आपको लोग फिर चाहते हैं कि आप फिर बने विधायक। काम भी मिलल जुलल भी जितना देर रहे काम कोई नहीं, पर काम विधायक आशीर्वाद प्रदान करी। सिवान जिले का नया नहीं है सर। क्या कर रहे हैं?